बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा आज अमेठी पहुंचे। हम आपको बताएं कि अमेठी में आज उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपनी अपनी सरकारों में जो काम किए हैं, अगर उसको आप देखिए तो कहीं ना कहीं हकीकत आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने सदैव ब्राह्मणों का ध्यान रखा है। हम आपको बताएं कि सतीश मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए सतीश मिश्रा लगातार ताबड़तोड़ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। और कल रायबरेली थे और आज वो अमेठी पहुंचे थे। अमेठी में उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा में ब्राह्मणों का मान सम्मान एवं स्वाभिमान हरदम बरकरार रहेगा और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो ब्राह्मणों के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। हम आपको बताएं कि सतीश मिश्रा को एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ब्राह्मणों को एकजुट करने की। इसी क्रम में वो लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन में जा रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ब्राह्मणों को खासतौर से वो BSP के द्वारा अच्छे कार्यों के बारे में भी बता रहे हैं। हम आपको बताएं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है वो आपके सामने है और कहीं ना कहीं BJP द्वारा लगातार ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है। अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज सतीश मिश्रा ने अमेठी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से गुंडई होती थी वो कभी भी ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं। हम आपको बताएं कि सतीश मिश्रा आज पहुंचे थे अमेठी। अमेठी में उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए एकजुट होने की कही बात। S7 के लिए इरशाद अहमद की रिपोर्ट।